करना है। पर इसलिए सब लोगों से हमारी अपील है, सब लोग एक होकर के, सब लोग जैसा भारतीय जनता पार्टी ने सबको अपमानित किया, बताइए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार कितना है सरकार, भ्रष्टाचार कितना बहुत बिना, जैसे कि चाहे तहसील में, चाहे थाने में, चाहे सरकारी कोई भी कार्यालय हो, बिना रिश्वत के, बिना पैसे के कोई काम नहीं। तो किए गए अपनी भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हीं पतियों से कमीशन ले रहे हैं, तो मैं सब अधिकारी सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के राज में थोड़ी रिश्वत रहने लगे, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को एक जून को साइकिल का बटन दबा करके देता है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, लोकतंत्र को भी खत्म करना चाहते हैं। आपने कभी सुना है विपक्ष के लोगों को यहाँ तक ये अध्ययन के उम्मीदवार घटाती तो सुने हुए थे, दिल्ली से जो मुख्यमंत्री थे झूठे मुकदमे लगा करके जेल में देने का था, झारखंड के हेमंत सोरेन बताओ, झारखंड के आदिवासी जाति, आदिवासी जाति के मतलब छोटी जाति मानी जाती है, उन्हें भी जेल में झूठे मुकदमा लगा करके जेल। आपने सुना आपके विधायक और दो बार के सांसद, दस बार के विधायक आजम खान सबसे सीनियर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस समय थे, उनको उनकी दीदी विधायक एक डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल, दो दो बार विधायक, एक बार सांसद, उनका बेटा दो बार का विधायक, उनको जेल खान सोलंकी विधायक चार बार का विधायक, एक भी मुकदमा नहीं था लेकिन झूठा मुकदमा लिख करके उसे भी आजमगढ़ के रमाकांत यादव जेल, जनता की चुने हुए आज जनता की चुने हुए लोगों का बताइए तहसील में किसी काम के लिए जाओ, थाने में जाओ, कोई सम्मान नहीं, केवल इस राज्य में जनता के चुने हुए भी लोगों का अपमान भारतीय जनता पार्टी के बारे में, जबकि संविधान में है अगर जनता के चुने हुए लोग हैं तो उनको भी सम्मान देना चाहिए, तो हटाना है और हमारे सरकार को हटाना है, और इस सरकार के बाद हम सभी अपने साथियों से भी कहना चाहेंगे हम लोग आपको नहीं बैठेंगे, हम लोगों ने तो हमेशा संघर्ष किया और संघर्ष के बल पर ही सरकारें बनाई हैं, संघर्ष के ही बल पर कभी कभी गिरा भी थी, तो इसलिए इस चुनाव जीतने के बाद इस भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को हटाने के बाद इस उत्तर प्रदेश में भी हम लोग संघर्ष के बल पर इस बेईमान भारतीय जनता पार्टी को हटा करके उत्तर प्रदेश में फिर से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम फिर से करें, और फिर से सभी जितने भी हमारे मैनिफेस्टो में जितना हम लोगों ने मैनिफेस्टो में दिया जिनकी बातें कही हैं